परमिशन रेलवे मंत्रालय से नहीं मिली है, लेकिन यदि रेलवे मंत्रालय गाड़ी चलाने का निर्णय लेते हैं, तो इंदौर से ट्रेन चलाने के लिए इंदौर रेलवे प्रशासन पूरी तरह तैयार है। कोरोना वायरस पूरे विश्व में महा आतंकी के रूप में फैला हुआ है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में अभी तक 9 लाख कोरोना के पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में लॉकडाउन का आह्वान किया था, जिसका मकसद यह था कि सभी लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस, जिसका संक्रमण किसी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने से फैलता है, रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां बहुत तादाद में पब्लिक होती है। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए 21 मार्च की रात्रि से सभी तरह की ट्रेनों की आवाजाही बंद है, जो अभी तक यथावत है। इस दौरान दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को अपने घर वापसी के लिए देश में श्रमिक ट्रेनें चलाई गई थी। इंदौर से भी 3 ट्रेनें चलाई गई थी। इसके साथ ही देश में करीब 200 विशेष ट्रेन चलाई गई थी। उस समय इंदौर को कोई भी ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि इंदौर जनसंख्या के आधार पर कोरोना के मरीजों की जनसंख्या ज्यादा थी। आने वाले राखी के त्योहार को देखते हुए रेलवे मंत्रालय द्वारा अभी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। यदि रेलवे मंत्रालय ट्रेन चलाने का निर्णय लेता है, तो इंदौर से ट्रेन चलाने के लिए रेल प्रशासन पूरी तरह तैयार है। फिलहाल रेगुलर गाड़ियां 12 अगस्त तक बंद हैं। और देखिए, जैसे कि आपको पता है, कोरोना पूरे विश्व में एक महा आतंक के रूप में है, और हिंदुस्तान में भी उसका बहुत आतंक है। पूरे हिंदुस्तान में अगर इंडिया की बात करें तो करीब 9 लाख लोग हो चुके हैं। और तो उस कोरोना से बचने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन किया गया था, और लॉकडाउन से का मकसद ये था कि लोग अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि उसका संक्रमण लोगों में घुसते ही फैलता है, और रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रेन एक ऐसी जगह है, यहाँ बहुतायत में लोग आते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मार्च 21 तारीख की मध्य रात्रि से जो रेल सेवाएँ बंद की गई थी, रेगुलर सेवाएँ, वो अभी तक बंद हैं। और हम लोगों ने श्रमिक को उनके घर तक पहुंचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में श्रमिक एक्सप्रेस चलाई थी, जिसमें कि इंदौर से 3 श्रमिक एक्सप्रेस चलाई गई थी कि इंदौर से रीवा, इंदौर से बर्धमान पश्चिम बंगाल, और ये रीवा के लिए 2 बार चलाई गई थी। और उसके साथ में इंडियन रेलवे पे करीब 200 विशेष ट्रेन चलाने की व्यवस्था की थी। इंदौर को उस टाइम ट्रेन नहीं मिली थी, क्योंकि इंदौर में जनसंख्या के हिसाब से कोरोना के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो आने वाले टाइम में जो राखी का त्यौहार है, उसके लिए देखिएगा, रेल मंत्रालय अगर डिसाइड करता है, रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार ही विशेष गाड़ियां चल रही हैं, रेगुलर गाड़ियां 12 अगस्त तक बंद हैं। तो जब रेगुलर गाड़ियां जो हैं, तो रेल मंत्रालय डिसाइड करता है इंदौर से चलने के लिए, तो हम लोग तैयार हैं चलाने के लिए, रेल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।